पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट छह कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव ने प्राणपुर प्रखंड में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह व लोकतंत्र को हत्यारा बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में है, जो वर्तमान संघी भाजपाई सरकार संभव स्वीकार नहीं करना चाहती। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। मोदी सरकार राहुल गांधी की आवाज अलोकतांत्रिक तरीके से बंद करना चाहती है। इसी का नतीजा उनकी संसद सदस्यता आनंद फानंद में खत्म करने कराए जाने के रूप में दिखाए, जबकि स्वतंत्र लोकतंत्र के विपक्ष का होना और विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना आवश्यक है। तानाशाही मोदी सरकार को सवाल पसंद नहीं है। जो भाजपा सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर डराया जाता है। आशाजनक है कि ये कार्रवाई केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर होती है। राहुल गांधी भी आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आवाज को उठा रहे थे। मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने को कहा था। राहुल गांधी ने पूछा कि अदानी ग्रुप में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले लोग कौन थे, ये काला धन किसका है जो पैसा देश के रक्षा कंपनियों में भी लगा है, अदानी का एसबीआई एलआईसी पीएफ का हजारों करोड़ रुपया क्यों दिया गया। 2014 में भाजपा की सत्ता में आने वाले दुनिया की अमीरों की सूची में 609वें स्थान में शामिल गौतम अडानी मोदी काल में दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचे। सरकार अडानी मामले में जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रही है, जबकि सरकार मोदी का है तो जेपीसी में सर्वाधिक सांसद उन्हीं के होंगे। आखिर सरकार क्या छुपा रही है, देश जानना चाहता है। सारे सवाल सदन में उठाना भी विपक्षी दल का कर्तव्य है, जिनका निर्वहन राहुल गांधी कर रहे थे। आज समूचे देश में डर का माहौल है, अघोषित आपातकाल लागू है। देशवासियों के अधिकार हित लाभों एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही का विरोध करती रहेगी। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप कुमार विश्वास, प्रहलाद गुप्ता, पूर्व मुखिया मोहम्मद सऊद, मोहम्मद बहाव, रईसुद्दीन, संजय सिंह, मोहम्मद रहमत, अवधेश मंडल, बी के ठाकुर, रिंकू मिश्रा, संजय सिंह उप पुतुल सिंह, आनंद सिंह, शेख सद्दाम, शंभू प्रसाद गुप्ता आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अच्छी नेता के रूप में राहुल गांधी को मिल रही सुरक्षा को पहले वापस माने ले लिया जाना, उनकी आवाज पर जो है उनको ट्रोल करना, सांसद को म्यूट कर देना दिया जाना, सांसद को नहीं चलने देना, जिसकी जवाबदेही वर्तमान केंद्र सरकार को ही होती है, और इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता छीन लेना को किस रूप में देखते हैं? हम लोग इसको देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है राहुल जी के लोकप्रियता से घबरा गई है। राहुल जी ने जो पदयात्रा किया कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिससे उनको काफ़ी लोकप्रियता मिला है, और ये वर्तमान भाजपा सरकार उनसे डर गई है, घबरा गई है और बौखलाहट में तरह तरह का काम कर रही है। लेकिन जनता जो है सब चीज़ देखती है, जागरूक है, और आने वाले समय में बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। जी अपना परिचय। मैं मोहम्मद सऊद आलम। आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों का कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी और हम लोगों के नेता तारिक साहब के द्वारा बताया गया है कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड में आप लोग जा कर के प्रेस वार्ता एक कर अपने कार्यकर्ताओं को सबको सूचना दें कि राहुल गांधी पर जो ये नजायज तरीका से ये जो लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया, जिस तरह से साजिश कर उसकी सदस्यता को जो समाप्त किया, तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करना है और हम लोगों को पूरे जिला में करना है। तो प्रत्येक प्रखंड में जो हम लोग पीसीसी डेलीगेट हैं वहाँ जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा, और ऐसे लोगों को बता करके कि आप लोग तैयार हो जाएं और बड़ी आंदोलन होगी और ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी और ये लड़ाई आने वाला समय 2024 तक चलेगा, जब तक कि ये बीजेपी की सरकार जो ये नजायज तरीका से जो उससे एक सवाल किया गया, सत्ता से ही सवाल पूछा जाता है कि आपका दोस्त अदानी कहाँ से 20,000 करोड़ रुपया लाया, इसके कारण ये जो सरकार जो किया है इसका खामियाजा वो भुगतेगा। उसी के लिए हम लोग जो है प्रत्येक मतलब प्रखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। इस देश में जो है बेरोजगारी, महंगाई सभी चरम पर है,
सरकारी संपत्तियों को जो है सरकारी पीएसयू को बेचा जा रहा है। देखिए आप लोग को ये पता है ही, जब सरकार 14 में आई थी उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की बात कही थी, जब 2 करोड़ देंगे, दिया तो नहीं, नोटबंदी कर दिया, और वो किसान का जो आय दुगुनी करने की बात कही थी वो तो दुगुनी हुई नहीं, लेकिन किसान का जो बीज का कालाबाजारी हो, चाहे जो उसका बीज खरीदने में, खाद खरीदने में जो दुगुना तिगुना रेट में आज खरीद रहा है, आज गैस का रेट देखिए 400 रुपया जब होता था तो उसका जो नेता सब था, महिला सब भी सिलेंडर लेकर के आंदोलन करती थी, आज 1200-1250 आ गया, सब घर में घुस गया। पेट्रोल का रेट पर वो लोग रोड पर आ जाता था जब, जिस समय की 50-60 रुपया था, आज तो 100 और 110 का में चला गया। तो बहुत तमाम मुद्दा है, यही मुद्दा तो राहुल जी उठाने का काम किया, जो कि आज उसका सदस्यता खत्म कर करके उसने ये सरकार नीचा दिखाने का काम किया है। तो हम लोग ये जनता को